माननीय मुख्यमंत्री का स्वागत करें। बस एक लास्ट बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा कि झारखंड का जब राज्य का चुनाव, जब झारखंड का संघर्ष चल रहा था उस समय हम लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे तो महसूस होता था कोई आंदोलन चल रहा है। झारखंड का आंदोलन हुआ, झारखंड बना, वो जीते, हम पुरानी पेंशन माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री के सम्मान साथ हम लौटे लौटेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, पूरी टीम का धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष जी, यह हम सबके लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि आज का राजनीति आप जानते हैं, लोग वादा तो करते हैं लेकिन चुनाव जीतते ही भूल जाते हैं। पहली बार एक ऐसा मुख्यमंत्री हमने देखा है, पहली बार हमने एक ऐसा राजनीतिक व्यक्ति देखा है जिन्होंने वादा किया तो उस पर अड़ गए, अडिग हो गए। आप इस बात को मानते हैं? सही में मानते हैं? इन्होंने जैसा कहा वैसा किया। कर्मचारियों के इस प्रकार के कार्यक्रम में आप कर ही नहीं सकते हैं यदि राज्य के मुखिया का सर पर हाथ ना हो। आपके संगठन पर, आपके लोगों पर और विशेष करके पेंशन के मुद्दे पर माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सहयोग रहा है उसे आजीवन हम लोगों को नहीं भूलना चाहिए। हो सकता है आज काम बन जाए लेकिन इसके बाद आपको भूलना नहीं है। भूल जाएंगे क्या? ऊपर से नहीं कोई बोल रहा है भाई, भूल जाएंगे। इसलिए नहीं भूलेंगे कि ये वैसा तोहफा देने का प्रयास कर रहे हैं जो मरते दम तक आपका साथ देगा। अब हम इन्हीं बातों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करना चाहेंगे। और आज यहाँ झारखंड की राजधानी, रांची की इस ऐतिहासिक बिरसा मुंडा स्टेडियम में पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन कार्यक्रम में आज यहाँ उपस्थित मंच आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विजय कुमार बंधु जी, राष्ट्रीय महासचिव, उड़ने वाला चीज नहीं दिखाई दे रहा है, पब्लिक एक्सप्रेशन हम चाह रहे हैं, यहाँ नहीं स्थित प्रज्ञा की प्रदेश अध्यक्ष श्री विक्रांत कुमार सिंह जी यहाँ उपस्थित, विशेष रूप से आमंत्रित राज्यसभा सांसद नवाब माजी जी, विधायक अम्बा प्रसाद जी और विक्रांत सर को भी फ्रेम मिले बगल में, जस्ट बगल में, देश के लगभग सभी राज्यों के प्रमुख प्रतिनिधिगण, चूंकि यहाँ आप सब लोग आए हैं अलग अलग राज्यों से, सबसे पहले मैं आप सब लोगों का झारखंड प्रदेश में स्वागत करता हूँ। हमारे संदर्भ जब हम विपक्ष में थे तो यही मोराबादी के उसमें, आज तो थोड़ा सा लगता है कि सरकार घर बन गई तो आप लोग को स्टेडियम का सुविधा प्राप्त हुआ, नहीं तो उसका खर्च करता हूँ आप लोग इकट्ठा हो रहे होते। हर बार लाठी डंडा पिछले 5 वर्षों में पता नहीं कितने कर्मचारियों ने लाठी डंडे खाए, कितने लोगों का हाथ पैर टूटा। भगवान आज ऐसा क्या दिन आ गया, ऐसा कौन सा बदला हो गया जो बिना लाठी डंडे के काम हो रहा है?
जब उसको काल कर सब लोगों का पुरानी पेंशन बढ़ाने की बात है, आप लोग उसकी कर्मचारी है, बहुत सारी आपकी नजरों से गुजर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर देता हूँ और मेरा यह प्रयास है परिषद के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि कार्यक्रम और भी हमारा है, व्यस्त थोड़ा सा भी समय क्योंकि कम है और मंजिल थोड़ा लंबा हो गया, कोरोना ने थोड़ा अपेक्षित रहेगी जो सरकार की योजनाएं हैं जो धरातल पर है वहाँ हर जरूरतमंदों तक कैसे पहुँचे, इसका एक ईमानदार प्रयास हम आप लोगों से अपेक्षा करेंगे और आप लोगों की पुरानी पेंशन के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 15 अगस्त तक ये हम आप लोगों तक अंतिम चरण पर ही किए हैं हम, चूंकि यहाँ व्यवस्था में भी बहुत दिमाग व्यवस्था के अंदर भी बहुत बचते बचाते चीजों को आपके ये हमेशा जो आप लोगों की मांग है इस समस्या का समाधान करने के लिए, बल्कि आप ही लोग उस समस्या का समाधान करेंगे और पुख्ता होने के बाद उस पर मुहर लगाकर प्रयास है कि आप ये सौगात के रूप में हम मंचों से सुनाए, तब मुझे बहुत खुशी हुई आप साथ आ गए इस आशा उम्मीद के साथ, लेकिन मैं प्रयास में था कि हो, लेकिन थोड़ा सा मुझे लगा कि इतने सारे समस्याओं के बीच में इसको इस बार नहीं मंजूर किया गया, लेकिन मैं चाहूंगा कि मैं अगली बार जब भी मंच पे आऊं तो कागज के साथ आप लोगों के समक्ष मंच पर दिखा सकूं। यहाँ पर सबसे पहले तो अलग अलग राज्य से आए, यहाँ तेलंगाना से भी आए और तेलंगाना के लोगों का भी बहुत हमारे प्रति आभार रहता है। मैं आपको बता दूं, आदरणीय गुरु जी ने इस राज को अलग किया है, इससे कोई इनकार नहीं, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं, तेलंगाना राज को अलग करने में भी आदरणीय किशन गुरु जी की एक आम भूमिका रही है, जिसकी वजह से वो राज आज अस्तित्व में आया है। आज वहाँ के लोग भी उनको काफी आभार करते हैं, आज वहाँ के भी सदस्य आए हैं, मैं इनका भी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इन्हीं बातों के साथ सबको धन्यवाद। हेमंत सोरेन, हेमंत सोरेन, जोर से आवाज लगाइए, अब इतना बड़ा ऐलान हुआ है 15 अगस्त से पहले पहले आजादी एनपीएस